नमस्कार, मैं सीमा कौशिक। आज मैं आपको बताने वाली हूँ साबूदाने से फालूदा की रेसिपी, जो कि बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है। अगर आपके व्रत उपवास है तब भी आप खा सकते हैं। बगैर व्रत उपवास के भी आपको जब मन करे ठंडा फालूदा खाने का, तो साबूदाने से आप बना के खा सकते हैं और घर वालों को खिला सकते हैं, और सभी इसे बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीमा की रसोई यम्मी व सिंपल रेसिपीज का अवार्ड विनर कुकिंग चैनल अभी सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैंने लिए यहाँ पे 1 कप साबूदाना। तो मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि इस तरह के पैकेट में आते हैं हमारे यहाँ पे। और इसके बाद में मैंने लिया 1 बर्तन, और बर्तन में हम डाल देंगे साबूदाना। तो 4 से 5 घंटे भिगोना ज़रूरी होता है, या फिर आप रात को भी भिगो सकते हैं। और 4 से 5 घंटे भीगने के बाद में फिर साबूदाना अच्छे से तैयार हो जाता है। तो पहले हम धो के साफ़ कर लेते हैं। शुरुआत में हमने इस तरह पानी डाल दिया है, और इसके बाद धोने के बाद में इतना पानी हम डालेंगे कि अच्छे से डूब जाए पानी में, और 5 से 6 घंटे या 4 घंटे ज़रूर भिगोएं। तो इस तरह मैंने रख दिया है भिगोने के लिए। और इसके बाद में जो साबूदाना है वो हमारा भीग के तैयार है, आप देख सकते हैं। और इस तरह आप थोड़ा दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, इस तरह टूटने चाहिए। तो इतना आपको भिगोना है कि साबूदाना आप इस तरह दबाएंगे तो बिल्कुल ऐसे टूट जाएगा। तो इतना आपको भिगो के तैयार करना है। और इसके बाद में हम छलनी में इसमें डाल देंगे, पानी निकाल देंगे। और इसके बाद में हम वापस 2 से 3 पानी धोएंगे, साफ़ करेंगे अच्छे से साबूदाने को, क्योंकि साबूदाना जो होता है वो चिपचिपा होता है। तो अच्छे से धो के तैयार करना ज़रूरी होता है। तो 2 से 3 पानी इस तरह निकाल के तैयार कर देना है, बिल्कुल साफ़ कर देना है, ताकि बिल्कुल भी फिर इनमें चिपचिपापन नहीं रहना चाहिए। और इस तरह मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिए हैं और छलनी में निकाल दिया है अच्छे से। और आपको दिखा दूँ, ये देखिए बिल्कुल ऐसा पानी तैयार हो गया है। और ऐसे बिल्कुल खुले खुले धो के तैयार कर लेने हैं। और इसके बाद में यहाँ पे मैंने लिया 1 कढ़ाई और दूध, और साथ में मैंने लिया है 1 लीटर दूध। और हम कढ़ाई में दूध को निकाल लेंगे। तो आप कढ़ाई या पतीला जो भी है आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा भारी तल्ले का ले। पतीला भी अगर आपके भारी तल्ले का है तो आप पतीला ले सकते हैं। तो दूध को हम कढ़ाई में निकाल लेंगे। इसके बाद में दूध को निकाल लिया मैंने कढ़ाई में, और दूध को रख दिया गैस के ऊपर। गैस मैंने फुल कर रखा है, और दूध में अच्छे से उबाला आने देंगे। और अभी दूध में उबाला आ गया है, और अभी हम गैस को कम कर देंगे आँच को। और जो हमने साबूदाना धो के तैयार किया है भिगो के धो के, वो हम दूध में डाल देंगे उबाला आने के बाद में। और इस तरह थोड़ा मिला देंगे, और गैस को वापस फुल कर दिया है मैंने साबूदाना डालने के बाद में। और इसके बाद में यहाँ पे मैंने लिए काजू और किशमिश। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं, या बादाम भी डाल रहे हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन छिलका हटा के फिर आप बादाम डालें। और इसके बाद में हम अच्छे से पकाएंगे, और जब हल्का गाढ़ापन आ जाए इस तरह का, तब हम 1 गिलास पानी डाल देंगे, ताकि साबूदाने का कच्चापन नहीं रहे। और 15 से 20 मिनट हमें पकाना है, और थोड़ा इस तरह चलाते रहना है, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। और इस तरह घुमाते हुए 15 से 20 मिनट हमें इस तरह पका के तैयार कर लेना है। और इसके बाद में 1 कप मैंने चीनी ली है। तो जितनी मैंने साबूदाना लिया था उससे थोड़ा सा कम मैंने चीनी लिया है। तो चीनी की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, या थोड़ा कम ही डालें, ज़्यादा ना डालें 1 कप से, क्योंकि फिर मीठा ज़्यादा हो जाएगा। और अभी हम गैस को थोड़ा कम कर लेंगे लास्ट में चीनी घुलने तक। तो अच्छे से चीनी को हमें मिक्स कर देना है, और इस तरह चेक करते रहेंगे कड़छी में ला के, ताकि हमें ध्यान रहे कि चीनी घुली है या नहीं घुली। तो इस तरह घुमा के फिर हम वापस कड़छी को ऊपर लाएंगे, तो हमें पता रहेगा कि चीनी घुली है कि नहीं। तो इस तरह मैं घुमा रही हूँ अच्छे से, और इस तरह चेक कर रही हूँ। ये देखिए चीनी के दाने, आपको पता चल जाएगा। और चीनी घुलने तक हमें पकाना है। अगर आपने चलाना छोड़ दिया, या आप कोई और काम में लग गए, तो नीचे से भी जल जाता है, साबूदाना चिकना होता है, या चावल की खीर होती है वो भी लग जाती है नीचे कढ़ाई या बदले में। तो
थोड़ा चलाना भी ज़रूरी होता है। तो इस तरह ये देखिए हमारी जो खीर है बन गई है, गैस मैंने बंद कर दिया है और 15-20 मिनट लगे हैं। इसके बाद में एक पतीले में मैं निकाल रही हूँ साबूदाने की खीर को, इस तरह पतीले में निकाल लेना है। और अभी प्लेट से ढक्कन लगा के हम फ्रिज में या फ्रीजर में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे मैं फ्रीजर में रख रही हूँ ताकि जल्दी ठंडा हो सके, क्योंकि गर्मी है अभी। तो आप फ्रीजर में या फ्रिज में जहाँ भी रखें अच्छे से ठंडा कर लें, जमाना नहीं है। और मैंने फ्रीजर में रख दिया है ताकि जल्दी ठंडा हो सके, और ठंडा होने के बाद निकाल लेंगे। और इसके बाद में यहाँ पे मैंने लिए है गुलाब का शरबत, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। और साथ में मैंने लिए गिलास टूटी फ्रूटी ली है। और इसके बाद में जो हमने साबूदाने की खीर रखी थी फ्रीजर में, वो ठंडी हो गई है, आप देख सकते हैं, जमी नहीं है, ठंडा ही करना है, जमाना नहीं है हमें। तो इस तरह आपको तैयार कर लेना है। और एक बर्तन लेंगे, बर्तन में हम साबूदाने की खीर को निकालेंगे। जितना आपको फालूदाना बनाना है उस हिसाब से आप बर्तन में निकाल लें। और इसके बाद में ये मैंने लिए हैं गुलाब का शरबत, और इसमें डाल देंगे। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेना है जितना आपको मीठा पसंद हो। और इसके बाद में एक गिलास लेंगे, और गिलास में हम साबूदाने की खीर डालेंगे जिसमें हमने शरबत नहीं मिलाया वो डालेंगे शुरुआत में। आप चाहें तो पहले गुलाब के शरबत जो हमने खीर में मिलाया वो डाल सकते हैं। और इस तरह थोड़ा सा गिलास में घुमा के थोड़ा सा शरबत डाल दिया चम्मच से मैंने, और फिर जो हमने गुलाब का शरबत मिला के खीर डाली है वो डाल देंगे, टूटी फूटी डाल देंगे। वापस हम इस तरह खीर डाल देंगे, और फिर सफ़ेद वाली खीर डाल देंगे, और वापस टूटी फूटी डाल देंगे। और फिर हम वापस थोड़ा सा ऊपर से जो हमने शरबत मिलाया है वो डाल के, और ऊपर से हल्का सा शरबत डाल देंगे और टूटी फूटी डाल देंगे। और ये हमारा जो फालूदा है साबूदाने का तैयार हो गया है। और अगला गिलास भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। तो आप साबूदाने की खीर से भी आप फालूदा बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है, बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आता है। अगर आपका व्रत उपवास है तो उसमें भी आप बना के खा सकते हैं, सबको खिला सकते हैं, और ये ठंडा मीठा बहुत ही पसंद आता है, और फालूदे के नाम से बच्चे खा लेते हैं। और साबूदाने की खीर जो होती है वो वैसे भी पौष्टिक होती है, वैसे नहीं खाते, लेकिन फालूदे के रूप में अगर आप खिलाते हैं तो बच्चे भी झटपट खा लेते हैं, और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट ये लगता है। तो एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बना के खाना पसंद करेंगे, तो आप ज़रूर बनाइएगा। और ये मैंने 5 गिलास तैयार कर लिए हैं 5 मेंबरों के लिए, घर में हम 5ों खाने वाले हैं। और ये 5 इस तरह मैंने फालूदे के गिलास तैयार कर लिए हैं, और बहुत ही अच्छे टेस्टी बन के तैयार हुए हैं, तो आप ज़रूर बनाइएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये फालूदे की रेसिपी कैसी लगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा की रसोई यम्मी व सिंपल रेसिपीज का अवार्ड विनर कुकिंग चैनल अभी सब्सक्राइब करें। और ये वो कमेंट है जो मेरी पिछली रेसिपी में आए थे, और इस रेसिपी के नीचे जो भी कमेंट आएंगे वो मैं अगली रेसिपी के अंत में डाल दूंगी। तो आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट अवश्य कीजिए, आपका धन्यवाद।